दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर 10 खसलतें ऐसी हैं जो हर मोमिन के अंदर पाई जानी चाहिए। पहली खसलत, कुत्ता भूखा रहता है, जो सालिहीन के आदाब में से है, सालिहीन यानी नेक लोग। दूसरी खसलत कि उसका कोई मकान ख़ास नहीं होता, जो मुतवक्किलीन की अलामत में से है। तीसरी खसलत कि ये रात को कम सोता है, जो मुहिब्बीन यानी अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों की सिफात में से है। चौथी खसलत, जब मरता है तो कोई मीरास नहीं छोड़ता, जो जाहिदों की सिफात में से है, यानी परहेज़गार लोगों की सिफात में से है। पांचवी खसलत, ये अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ता, जो पक्के सच्चे मुरीदीन की अलामात में से है। छठी, ये थोड़ी सी जगह पर कनाअत कर लेता है, सब्र कर लेता है, जो मुतवाज़ईन की अलामात में से है। सातवीं खसलत, जब कोई उसके मकान पर कब्ज़ा कर लेता है तो उसको उसी पर छोड़ देता है, यानी खुदा से राज़ी होने वालों की ये सिफात में से है। अगर मकान का मालिक उसको मार दे और फिर बुलाए तो आ जाता है, जो खाशियीन यानी खुशू करने वालों की अलामात में से है। नौवीं खसलत, मालिक खाना खा रहा हो तो ये दूर बैठा रहता है, जो मसाकीन की अलामात में से है, यानी गरीब लोगों की अलामतों में से है। दसवीं खसलत, जब किसी मकान से कूच करता है तो फिर उसकी तरफ ये इल्तिफात नहीं करता, तवज्जो नहीं करता। तो ये 10 खसलतें ऐसी हैं जो हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए।